हुकुमचंद मिल मजदूरों के 32 सालों का संघर्ष अब जीत में तब्दील हो चुका है, जहां सरकार ने मिल मजदूरों की पेंशन और भत्ते का पैसा चुकाने के आदेश दे दिए हैं। वहीं अब सालों से संघर्ष से मिली जीत की खुशी मजदूरों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। वहीं नम आंखें इस बात की गवाही दे रही है कि इस जीत के कितने खास मायने हैं। सालों का संघर्ष इतना कठिन रहा कि कुछ मजदूरों ने संघर्ष करते करते ही जिंदगी को अलविदा कह दिया, तो वहीं अब जो बचे हैं वे इस पैसे से जिंदगी की नई राह बनाने का सपना बुन रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 32 साल के संघर्ष की कहानी मिल मजदूरों की जुबानी। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को मिलने जा रहा है अधिकार। कई सालों से कठिन संघर्ष से निकली जीत की राह। मिल मजदूरों ने एमपी न्यूज के कैमरे पर सुनाई दर्द की दास्तां। सालों से चेहरे पर शिकन लिए हर रविवार बैठक में पहुंचने वाले हुकुमचंद मिल के मजदूरों के न्याय का रास्ता अब जाकर साफ हो गया है, जहां सोमवार को सीएम मोहन यादव इंदौर आकर मिल मजदूरों को उनका पैसा सौंपेंगे। वहीं मिल मजदूरों को मिले न्याय में हजारों लोग संघर्ष की राह पर चले हैं। यही कारण है कि अब ये संघर्ष पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिल में काम करने वाले मजदूरों से जब एमपी न्यूज ने संघर्ष की दास्तां जानी तो लगभग सभी की आंखों में आंसू आ गए और सभी ने एक सुर में सिर्फ इतना कहा कि संघर्ष अब पूरा हुआ। खुशी है। पैसा मिलने वाला पैसा मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। हमारा 12-12-91 को जो बंद हुई थी मिल, उस समय से ही हमारा संघर्ष चालू हो गया था। 92 में हम लोग जेल भी गए हैं, आंदोलन में जेल 5-7 दिन रह के आए हैं। इसके बाद जो आंदोलन किए हैं तो मालवा मिल पर धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल सब करी हैं। यानी हमारा लगातार संघर्ष जारी रहा। इसके बाद मीटिंग जो यहाँ पे रविवार, हमारी सफलता यही है कि हम हर रविवार यहाँ पे मीटिंग लेते हैं मजदूरों की, जिसमें 800,000 आदमी तो आता ही है। अब जो है पैसे का घोषणा हुई है, इसलिए कम से कम 2,000 आदमी आने लग गया है। पर 32 सालों का संघर्ष ये हम किस प्रकार से सुनाएं, क्योंकि हमें सुनाते सुनाते ही रोना आ जाएगा। किस प्रकार से सुनाएं, क्योंकि कितनी पीड़ा हम लोगों ने भुगती है। अरे कोई ने कम भुगती, कोई ने ज़्यादा भुगती। आज उस समय ये पैसा मंजूर हुआ, बड़ी खुशी की बात है। हम इसके लिए हम अपने महापौर जी को भी, जो पुष्पमित्र भार्गव जी हैं, इनको लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। ये जब से आए हैं, जब से ये भोपाल सीएम वगैरह सबसे पीछे लगे रहे और आखिर उन्होंने दिलवा के छोड़ा। हम मोहन यादव जी का भी धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने आते ही मजदूरों का काम किया। ऐसे ही नेता अगर पहले से होते तो आज हमारा ये कब का ही होता और हमारे बच्चे पढ़ लिख के जाने कहाँ पहुँच जाते। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, देर से ही सही। मगर आज हमें इतनी खुशी है कि कुछ कहा नहीं जाए। जय श्री राम। देखिए हुकुमचंद इसके मामले में करीब करीब यानी अभी माता जी सुना नहीं, आपने सुना होगा उस तरीके से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब इस हिसाब से क्या है आज की जो पोजीशन है, जिस तरीके से आज गवर्नमेंट ने, हमारे साथियों ने या हमारे राजनेताओं ने सबने मिल करके ये जो प्रतिक्रिया आगे बढ़ा करके और सबके लिए अच्छा काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को भी और
जितने भी अधिकारी नेतागण हैं सबके लिए मैं ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और इस तरीके से संसार में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदा सुखी रहो। 32-33 साल में ये पोजीशन है कि काम धंधा कहीं नहीं, कहीं मिलने जाते हैं भगो अभी नहीं हमारे यहाँ काम, यानी कई तरह की चीज़ें होती है तो उस तरीके से बेचारे पब्लिक वैसे ही परेशान और वो दुखी डबल दुखी हो जाती थी। इस हिसाब से वो कोई बेचारे को काम नहीं मिलता था, कोई मजदूरी कर दिया, कोई क्या कर दिया, कोई क्या कर रहा, किसने कैसा अपना जीवन बिताया, उसकी आत्मा पर आज तक क्या आप देखेंगे तो अपने दिल की बया बया कर रहे हैं। इस तरीके की पोजिशन बना देते हैं, मतलब लेने के जिंदा होते हुए आदमी मतलब खत्म होने से जीका हो चुका है। नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा परिवर्तन। कारण है आप कि बेचारे दुखी परेशान और जिस तरीके से उन्होंने अपने समय झेला है उस समय को देखते हुए आज की पोजिशन में वो इतना जो भी कुछ होना था ऊपर वाले की दया से वो तो ठीक है, बाकी अब मिलने के बाद में सब बेचारे अपने अपने हिसाब से व्यवस्थित अपने परिवार को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जो खुशी मिल रही है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद, बहुत खुशी रहेगी। अब थोड़ा बहुत तो आएगा यार, मजदूरी कम करना पड़ेगी अब। अरे बहुत बहुत दुख उठाया भैया, अब पूरा कहानी बताने से फायदा क्या। समिति के थे हम, लेकिन हम बाहर हो गए। क्यों बाहर हो गए ये हम नहीं जानते, लेकिन पैसा कुछ नहीं मिल रहा है। जितना चाहिए था उतना कुछ नहीं मिल रहा, उसमें से भी पैसा काट के खुद खा रहे हैं वकील है ये है। सभी लोग ऐसे ही है, क्या काम में आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। उतना तो कर्जे कर रखा है अपन, उनको बांट देंगे क्या बच रहा है। जो बात है क्लियर बता देना। अरे 32 साल से संगत कर रहे हैं, जहाँ नहीं वहाँ गए, सबके पास गए, कोई ने नहीं सुना है। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, कोई ने नहीं सुना। ये जितने बोले ना सब झूठ बोल रहे। अभी हमारे दो साथी आ जाते ना तो वो बता दे तुम स्टोरी क्या है। हाँ सलंग, अरे कोई पैसा पैसा क्या है, 3-3, 3.5 लाख रुपए दे रहे क्या है। कम से कम 15-15, 20-20 लाख रुपए मिलना था तो सब भाइयों को शांति मिलती। क्या रहा अपने को कुछ मिला, अपन 32 साल से संघर्ष कर रहे कुछ नहीं। इधर अब मिल मजदूरों के परिवार में भी काफी खुशी है, जहां मजदूरों के परिजनों का मानना है कि हमारे अपनों ने अपने अधिकार के लिए खूब लड़ाई लड़ी, वहीं अब उन्हें इस लड़ाई में जीत मिली है। अरे बहुत जीवन बदलेगा और यहाँ वालों को भी बहुत शुक्रिया कि हमारे पीछे इन लोग ने बहुत संघर्ष किया, लड़े। हम लोग बाहर मीटिंग में बैठते थे, यहाँ के जो कर्मचारी थे, जो भी काम करने वाले हैं और जो भी था, और बहुत दिन से बरसों से इंतज़ार था कि अब मिलेगा पैसा। अब इनकी जो है ना, हमारे सास हैं ये, हमारे ससुर बोला करते थे कि क्या नाम, आज नहीं तो कल मिलेगा, हमारा मिल का पैसा मिलने वाला है। हर हफ्ते आते थे मीटिंग में भी, इन लोग के साथ सबके साथ बैठते भी थे बराबर। अब क्या नाम, वो तो नहीं रहे लेकिन अब ये अम्मी हैं, हम लोग हैं, फिर भी बहुत बड़ी आशा है कि हाँ हम कुछ तो कर सकते हैं इन पैसों से आगे, कि क्या नाम, कोई भी अच्छा कारोबार कुछ भी कर सकते हैं अपने भविष्य। बच्चे भी हैं हम लोग के साथ जुड़े हैं। पिताजी श्री कैलाश चंद जी जायसवाल, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, हुकुमचंद मिल में सेवानत थे। अब 32 सालों बाद में काफ़ी लंबा समय हो गया था, जिस वजह से हम लोग भी हिम्मत हार गए थे कि अब कुछ होगा, पर एक अच्छे समय की अगुवाई आ रही है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह देश की सेवा करते रहेंगे वह, और आगे नए
प्रस्ताव भी लाते रहेंगे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन सुशासन दिवस पर इंदौर के कनकेश्वरी धाम में हुकुमचंद मिल के मजदूरों को उनके हक देने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और मजदूरों को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।